करनाल के नेशनल हाईवे पर बिना सीएलयू के बने ढाबे जिला नगर योजना कार विभाग के निशाने पर हैं। जीटीपी विभाग ने एक बार फिर करीब आधा दर्जन अवैध ढाबा पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। विभाग की कार्यवाही से ढाबा मालिकों में हड़कंप की स्थिति रही है। गौरतलब है कि डीटीपी ने घरोंडा एरिया में लगभग 20 अवैध ढाबे चिन्हित किए हैं और ढाबों को ढहाने के लिए लगातार पीला पंजा चलाया जा रहा है। सरकारी नियमों के विरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बने अवैध ढाबों को लेकर डीटीपी विभाग ने कड़ा रुख अपना रखा है। ढाबा संचालकों को ढाबे हटाने के नोटिस देने के बाद जिला नगर योजनाकार विभाग लगातार अवैध ढाबों के खिलाफ कार्यवाही में जुटा हुआ है। सोमवार को डीटीपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ता हाईवे पर अवैध ढाबों को गिराने पहुंचा। रेस्ट हाउस के नजदीक बने ढाबे से कार्यवाही शुरू करते हुए विभाग की टीम कोंड में बने ढाबों तक पहुंची। डीटीपी विक्रम सिंह ने बताया कि बिना सीएलयू के बने चड्डी कला, दाना पानी, पेट पूजा, अभिदा ढाबा और बांसुरी वाले ढाबे को गिराया गया है। तोड़फोड़ कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए डीटीपी की टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। डीटीपी ने कहा कि हाईवे पर बिना अनुमति के बने ढाबों को चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने सीएलयू के नियम आसान किए हैं। कोई भी ढाबा मालिक सीएलयू के नियम शर्तों को पूरा करने के उपरांत ही ढाबा बना सकता है। ये आज डीसी प्रोग्राम अप्रूव करवा के हमारा ढाबों की डेमोलिशन का प्रोग्राम है। कार्रवाई हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट की। उससे पहले हमने दो ढाबे अभी यहाँ पे, एक अभी का ढाबा थोड़ा, उसके बाद एक सर्दी कला, पेट पूजा भी है, और उसके बाद देखते हैं कितनी कार्रवाई कर सकते हैं हम। आज शाम तक का प्रोग्राम बना के चले थे, देखते हैं कितना हो पाता है। अब ये ढाबे टूट रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम इसमें लगे हुए। अब काफ़ी लोगों ने सीएलयू के लिए भी अप्लाई किया है, तो जिन लोगों ने सीएलयू के लिए अप्लाई किया है उनका स्वागत है। डिपार्टमेंट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से मैं बाकी लोगों को भी अपील करना चाहूँगा कि बाकी लोग भी सीएलयू के लिए अप्लाई करें और अपना ढाबा आराम से चलें। सीएलयू के लिए नॉर्म्स जो है वो फीस अभी नॉमिनल फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। इस गवर्नमेंट ने काफ़ी फीस कम कर रखी है और एरिया के हिसाब से फीस, जिसको जितने एरिया में ढाबा लगाना है उसके हिसाब से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.